तो आपने डिसाइड करना है मुर्गा छाप है या सुग्रीवम है। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कीर्तन वाला व्लॉग। तो आ रहा संडे और दिन संडे की तरह मन रहा है। इनफैक्ट व्लॉग भी स्टार्ट कर रहे हैं 3 बजे के आसपास, बिकॉज सुबह तो यार बातें हैं और अपना काम ही हो गया है। और हाँ, अभी चाय चल रही है वही बाहर, बिकॉज अंदर तो यार वही रोज का हिसाब, गर्मी बहुत भयंकर है। और जो जंगलों में आग लगी थी वो तो अब शांत हो चुकी है काफ़ी हद तक, इनफैक्ट लगभग हो ही चुकी है। अच्छी बात है। हाँ, अभी तो पहले चाय फिनिश करते हैं जो कि बहुत बढ़िया हो रहा है, कि एकदम अपनी भाषा में बोले तो 88। तो भाई अब बताओ संडे के दिन क्या स्पेशल होने वाला है? स्पेशल है, संडे है, स्पेशल तो है, पर सरप्राइज है आपके लिए भाई। सरप्राइज? बिल्कुल सरप्राइज ही है या शौक है? नहीं नहीं सरप्राइज कम शौक दोनों भी हो सकता है, वो तो आप डिसाइड करोगे क्या है। चलो वो देखने के अलावा चलेगा, पक्का कुछ ना कुछ है ना, ऐसा नहीं खाली फुस से निकल जाएगा बम। ना ना, वो तो आपने डिसाइड करना है मुर्गा छाप है या सुतली बम है। पक्का? बिल्कुल। तो चलो यार देखते हैं क्या है, ऐसा है बम की प्लानिंग है इनके, क्या सुतली बम है, क्या इनका मुर्गा छाप है, कुछ ना कुछ है ना, ऑन कैमरा है फिर। हाँ बिल्कुल है ना। अच्छा तो चलो ठीक है, अभी अब तक यार थोड़ा सा फ्रेश ना होते हैं, आराम से नहा धो के आते हैं, तब मिलते हैं आप लोगों से। ठीक है, लेट्स गो। पक्का है ना? हाँ हाँ। पक्का है? बिल्कुल पक्का, बिल्कुल। चलो ठीक है, लेट्स गो। तो यार एक आम मिला है अपने पेड़ का, भी अभी टपका जिसे बोलते हैं। गुड टू गो। दशहरिया मीठा एकदम, बाकी भी धमाका होने वाला है, पता नहीं यार मुर्गा छाप या सुतली बम, वो डिपेंड करता है। लेकिन ये 88। तो फाइनली यार ये रही हमारी आज का धमाका है मैडम। yes. ये था धमाका। yes. तो यार ये तो मुझे वो लग रहा है मुर्गा छाप सुतली बम है भाई। है आप? चलो टेस्ट करो आप, फिर मुझे बताना कैसा हो रहा है। नहीं नहीं, पहले मैं तुमसे पहले पूछता ना कैसा हो रहा है। हमने बनाया, हमको पता अच्छा होगा। पानी तो ठंडा हो रहा है, मतलब ऑब्वियसली पानी ठंडा होगा, गर्म तो होगा। इसमें बर्फ डालनी पड़ेगी। कैसे हो रहा है? हैं? इसमें काली चने डाल दे। आजकल तो ऐसे ये ठीक है। इनके तो गाइस यार, इनके तो फरमाइश पूरी नहीं होती है। कैसी फरमाइश हो गई आपके खाने? जो मतलब जो चीज बनाए पसंद नहीं आता आपको भी है? चटनी पास कर दो प्लीज। ओहो कहां है बिस्कुट चटनी? आप बता दें, इनसे पूछते हैं गाइस इनके रिव्यू कैसे हैं करके। अपनी सकल ला रहा है यार, रिव्यू रिव्यू कह रहा है, अपनी सकल सबकी सकल आ रही है यार। ये लो अमेजिंग अमेजिंग। ये खाली वाला फर्जी वाला अमेजिंग है, अभी चेक करता हूँ पहले मैं, उसके बाद बताता हूँ ये है कैसा। चटनी कौन सी है? मैं पहले चेक करता हूँ अपना, देखते हैं उधर। हमें तो पिचकू दो हमें। तो गाइस अब चेक करते हैं, बताते हैं कि ये मुर्गा छाप है सुतली बम है। चटनी एक और था, बिस्कुट ले आते हो वहाँ से। ये भी है भाई साहब, बहुत तीखा है यार सुतली बम है ब्रो। लेकिन 88 हो रखे हैं यार, मज़ा आ गया। खा यार। तो भाई संडे पार्टी अपनी चल रही है भयंकर तरीके से, फुल ऑन चिल मोड। पानी पूरी वाले भैया आओ, जरा पानी एक्स्ट्रा देना, हमको पानी चाहिए भाई। इतने पैसे में इतना ही मिलेगा, और हमारे वहाँ ना सूखी पावड़ी मिलती है, लास्ट में ना एक्स्ट्रा पानी मिलता है। फिर खाना खा के जैसे भी YouTube भी चेक किया है मैंने, और यार YouTube में सिर्फ एक बात पर चर्चा हो रही है, नूपुर शर्मा कॉन्ट्रोवर्सीज, हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे हैं, पत्थरबाजी हो रही है। मतलब यार इंडिया को क्या हो गया है, लोग क्यों भूल जा रहे हैं कि इंडिया जाना जाता है यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, वो बात कहाँ चले गई है। तो यार जितना मुझे समझ में आया इस कॉन्ट्रोवर्सी के बारे में, वो यही है कि यार नूपुर शर्मा कोई एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं जिन्होंने एक
स्टेटमेंट दिया है लाइव डिबेट में जो कि एक पर्टिकुलर रिलीजन के सेंटीमेंट को हर्ट करता है। चलो माना कि उनका स्टेटमेंट गलत है, एक्चुअली मुझे पता नहीं कि उन्होंने स्टेटमेंट दिया क्या है, हम मान लेते कि उनका स्टेटमेंट गलत है, लेकिन यार एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो ना, उनके स्टेटमेंट को आपने इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे दी है? क्या वो कोई भगवान है? नहीं ना, तो फिर क्यों हो रहा है ये सब? इनफैक्ट दंगों में वही लोग जाते हैं जिन्हें इनके बारे में समझ होती ही नहीं है, वो लोगों को मालूम ही नहीं कि चल क्या रहा है, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी ने उनको भड़काया और वो वहाँ चले गए। एक्चुअली जो पूरा सीन होता है ना वो पॉलिटिकल पार्टीज के अराउंड घूमते रहता है, एक पार्टी जो कि सत्ता में है उसका काम है दंगों को शांत कराना, और दूसरी पार्टी जो कि उसके अपोजिशन में है उसका काम है कि यार ऐसे भाषण देना जो कि लोगों को और उग्र करें, जिससे लोग में और आक्रोश आए और दंगे और बढ़ें। तो यार ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, पहले से होता हुआ आ रहा है। तो यार इस बात को हमें समझना होगा। तो यार इन सब चीज़ों को समझने का एक रास्ता है, वो है एजुकेशन। इसलिए यार एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एजुकेशन इज़ वेरी वाइटल टू गेट टू नो कि यार हमारे आसपास चल क्या रहा है, क्या चीज़ हमारे लिए सही है, क्या चीज़ हमारे लिए गलत है। जब हमें इन सब चीज़ों की जानकारी होगी तो हम अपने आप यार दंगों से दूर रहेंगे, अपने काम में फोकस करेंगे, अपने एम में फोकस करेंगे, अपनी फैमिली को टाइम देंगे। देखो अल्टीमेटली दंगों का रिजल्ट क्या आएगा, एक पार्टी अपने उल्लू सीधा करेगी, एक पार्टी नहीं करेगी, तो यार उस दंगों से सफ़र कौन करेगा? हम जैसे लोग जो उस दंगों को सपोर्ट कर रहे हैं, जो उस दंगे में जा रहे हैं, बिकॉज किसी को चोट आएंगी, किसी की मौतें होंगी, तो यार किसी ना किसी की तो फैमिली सफ़र करेगी ना, अल्टीमेटली नुकसान हमारा ही होना है। तो यार इसलिए बार बार बोल रहा हूँ एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हमें एजुकेशन सिस्टम में ध्यान देना होगा, अपने लोगों को जागरूक करना होगा। तो यार इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं कल, सी यू सून, बाय, जय हिंद, गुड टू गो।